वेलकम एवरीवन। इस वीडियो में हम रियल नंबर्स के बारे में पढ़ेंगे जो कि नंबर सिस्टम का एक सब पार्ट है। रियल नंबर्स नंबर सिस्टम नहीं है, जैसा कि आप में से काफ़ी बच्चों को ऐसा लगता है। एक्चुअली नंबर सिस्टम के दो पार्ट्स हैं, रियल नंबर्स और एक पार्ट है इमेजिनरी नंबर्स। बट ये जो पार्ट है इमेजिनरी नंबर्स, ये क्लास 11th में आपके कोर्स में आएगा। टिल क्लास 10th आपको सिर्फ रियल नंबर्स के बारे में ही पढ़ना है। तो चलिए शुरू करते हैं। रियल नंबर के दो सब पार्ट्स हैं, रैशनल एंड इरैशनल। इस वीडियो में हम सिर्फ रैशनल नंबर्स के बारे में बात करेंगे, नेक्स्ट वीडियो में हम इरैशनल नंबर्स के बारे में बात करेंगे। रियल नंबर्स का एक पार्ट है रैशनल नंबर्स। रैशनल नंबर के फिर सब पार्ट्स हैं फ्रैक्शन, इंटीजर, निगेटिव इंटीजर, होल नंबर्स, जीरो, नेचुरल नंबर्स। तो हम बेसिक से शुरू करेंगे, सबसे नीचे से। हम ये मान के चल रहे हैं कि क्लास 8 तक आपने जो भी पढ़ा है वो आप भूल चुके हैं, आपको वो याद नहीं है, ठीक है। तो हम एकदम बेसिक से स्टार्ट करेंगे। एंड तक इस वीडियो को पूरा ध्यान से देखिएगा और उसके बाद वीडियो को पॉज करके एक बार रिवाइज करने की कोशिश कीजिएगा अपने आप से कि क्या आपने जो भी पढ़ा वो आपको याद है या नहीं है। एटलीस्ट 50% तो याद होना चाहिए बिना पीछे देखे, ठीक है। और हम साथ साथ पढ़ते समय एग्जाम्पल्स लेते चलेंगे ताकि हमको चीज़ों को अपनी डेली लाइफ से को रिलेट करने में आसानी हो। चलिए देखते हैं पहला पॉइंट क्या बता रहा है नेचुरल नंबर्स के बारे में। नेचुरल नंबर इज एन इंटीजर ग्रेटर देन जीरो। ग्रेटर देन जीरो है। अभी इंटीजर्स जो ये टर्म है ये हमने नहीं पढ़ा है, तो इसलिए हम इंटीजर को सिर्फ एक नंबर मान के चल रहे हैं कि नेचुरल नंबर सभी वो नंबर्स हैं जो कि जीरो से बड़े हैं। अब जीरो से बड़े हैं तो फिर क्या होगा, वन हो जाएगा, टू, थ्री, फोर, ये सब जीरो से बड़े हैं। नेचुरल नंबर बिगिन एट वन, जीरो से बड़ा है तो वन से ही शुरू होगा। एंड इंक्रीमेंट टू इंफिनिटी, इस वर्ड को थोड़ा सा ध्यान रखें, इंक्रीमेंट, ठीक है। अभी नेक्स्ट लाइन में हम इसका और अच्छे से मतलब समझेंगे। इंक्रीमेंट टू इंफिनिटी यानी कि एक से बढ़ते बढ़ते वो इंफिनिटी तक जाता है। इन्फिनिटी का ये सिंबल होता है, ये इन्फिनिटी तक जाता है, जैसे 1, 2, 3, 4, 5 एटसेट्रा, ठीक है। इस नंबर नेचुरल नंबर्स की इस लाइन पे आप देख रहे हैं, देखिए इसमें जीरो नहीं है, जीरो मिसिंग है। वन से लेके एरो बनाए, ये जो एरो बनाए यहाँ पर, ये एरो सिग्निफाई करता है कि आपको जितनी ज़रूरत है उतना आप एक्सटेंड कर सकते हैं, ठीक है। आप इसमें देख रहे हो कि सारे कंप्लीट नंबर्स हैं, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट हम देखते हैं, सेकंड पॉइंट हो गया, नेक्स्ट पॉइंट है ये थर्ड पॉइंट। नेचुरल नंबर्स आर आल्सो कॉल्ड काउंटिंग नंबर्स, हमने ऊपर हेडिंग में भी देख लिया, बिकॉज दे आर यूज्ड फॉर काउंटिंग। इस टर्म को आप लोग याद रखें, इससे आपको नेचुरल नंबर क्लियर होगा। अभी कैसे होगा, नेक्स्ट लाइन देख लेते हैं। यूज्ड व्हेन इंक्रीमेंटिंग वैल्यूज, देखिए इंक्रीमेंटिंग यहाँ पर दोबारा आया टर्म, आपने यहाँ एक बार इंक्रीमेंटिंग सुना था, अब एक बार यहाँ पे फिर से आप सुन रहे हो। बेसिकली है क्या इंक्रीमेंटिंग का मतलब, बढ़ने के लिए। यूज्ड व्हेन इंक्रीमेंटिंग वैल्यूज, नेचुरल नंबर्स का तब यूज होता है जब वैल्यूज बढ़ रही होती हैं, ठीक है। तो अगर बढ़ती कब है चीजें, सबसे पहले तो इसको बात को समझिए, जब आप एक चीज में कोई दूसरी चीज जोड़ते हैं तो वो बढ़ती है। अब नेचुरल नंबर्स में सिर्फ वो नंबर आएंगे जिनसे वैल्यूज बढ़ती है, नेचुरल नंबर्स में वो नंबर कभी नहीं आएंगे जिनसे वैल्यू या तो स्थिर रह जाए यानी कि ना बढ़े या घटे। समझ में आया नहीं आया, चलिए एक एग्जाम्पल लेके समझते हैं इसको। मान लेते हैं आपके पास 2 चॉकलेट्स हैं, आपके फादर ने आपको 2 चॉकलेट्स और दे दी, तो आपके पास अब कितनी हो गई, 4 चॉकलेट्स, ठीक है। यहाँ पर वैल्यू, इनिशियल वैल्यू क्या थी आपकी, स्टार्टिंग में 2 थी ना, इनिशियल वैल्यू इंक्रीज हो गई ना, क्योंकि फाइनल वैल्यू तो आपकी ये 4 है। दूसरे एग्जाम्पल में मानते हैं कि आपके पास 2 चॉकलेट्स हैं और आपके मदर ने आपको 0 चॉकलेट्स दे दी, तो आपके क्या फाइनल वैल्यू बनी, 2, तो आपकी इनिशियल वैल्यू सेम रह गई ना, कोई भी डिफरेंस नहीं आया। अब मानते हैं तीसरा एग्जाम्पल में, आपके छोटे भाई ने आपसे आपकी 2 चॉकलेट्स, इनिशियली आपके पास 2 चॉकलेट्स थी, उसमें से 1 चॉकलेट ले ली, तो अब आपके पास कितनी बची, 1। तो ये देखिए ये नेगेटिव नंबर था -1, यहाँ पर आपकी क्या हुई, इनिशियल वैल्यू
डिक्रीज हो गई, ठीक है, इसलिए जीरो नेचुरल नंबर नहीं होगा। माइनस वन यानी कि नेगेटिव नंबर्स जो हैं वो नेचुरल नहीं होंगे, नेचुरल नंबर्स नहीं कहलाएंगे। क्यों? क्योंकि इन्होंने वैल्यू को इंक्रीमेंट यानी कि बढ़ने नहीं दिया, वैल्यू या तो उतनी रही, इस केस में सेम रही, और इस केस में घट गई, या तो घटा दिया या सेम रहने दिया, इसलिए ये एग्जाम्पल्स नेचुरल नंबर के नहीं रह गए। ठीक है, अब समझ में आया कि नेचुरल नंबर्स को हम काउंटिंग नंबर्स क्यों कहते हैं, क्योंकि काउंटिंग में वैल्यूज को इंक्रीमेंट में ये मदद करते हैं। ठीक है, बेसिकली आप नेचुरल नंबर को इस तरह से याद रखो कि इंक्रीमेंटिंग वैल्यूज के लिए नंबर्स यूज होते हैं, उनको हम नेचुरल नंबर कहते हैं। चलिए नेक्स्ट नंबर को देखते हैं, होल नंबर्स। होल नंबर की अगर डेफिनेशन को देखें तो क्या है, दीज नंबर्स आर पॉजिटिव इंटीजर्स इंक्लूडिंग जीरो, इंक्लूडिंग जीरो एंड डू नॉट इंक्लूड फ्रैक्शनल और डेसिमल पार्ट। होल नंबर्स क्या होंगे, जैसा कि इसका नाम सिग्निफाई कर रहा है, होल नंबर्स यानी कंप्लीट हो जो नंबर्स, ठीक है, वन है, टू है, थ्री है, ये तो कंप्लीट नंबर है, ये होल होंगे, लेकिन ये काउंटिंग नंबर्स भी है ना, नेचुरल नंबर्स जो अभी हमने पढ़ा। अगर नेचुरल नंबर्स में आप जीरो को और जोड़ दीजिए, मतलब जीरो को और इंक्लूड कर दीजिए, तो ये क्या बन जाएंगे, होल नंबर्स। ठीक है, तो होल नंबर कौन से नंबर है, होल नंबर्स पॉजिटिव नंबर्स हैं और जीरो को भी इंक्लूड कर ले रहे हैं, लेकिन इसमें फ्रैक्शनल पार्ट और डेसिमल पार्ट नहीं होगा। बेस्ट एग्जांपल आपकी रियल लाइफ का होल नंबर्स का है आपका ये रूलर जो आपके पेंसिल बॉक्स में है। देखिए, जीरो से शुरू हो रहा है और सारे पॉजिटिव नंबर्स को डिनोट कर रहा है। आई होप अब होल नंबर्स आपको याद रहेगा। फिर से एक बार रिवाइज करते हैं, नेचुरल नंबर्स हमने जो देखा, नेचुरल नंबर्स कौन से नंबर होते हैं, सारे नंबर्स जो काउंटिंग में वैल्यू को इंक्रीमेंट करते समय यूज होते हैं। ठीक है, फिर आए होल नंबर्स, होल नंबर्स में क्या है, होल नंबर नेचुरल नंबर्स हैं, उसमें जीरो और इंक्लूड कर देंगे, नाम में ही होल बता रहा है, इसका मतलब पूरे पूरे नंबर्स, तो इसमें फ्रैक्शनल पार्ट या डेसिमल पार्ट नहीं होगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, इंटीजर्स। अब इंटीजर्स क्या होता है, अभी जब हम नेचुरल नंबर पढ़ रहे थे वहां हमने इंटीजर को सिर्फ एज अ नंबर यूज किया था, ताकि आप, क्योंकि आपको यहाँ पे अब इंटीजर आप पढ़ रहे हो तो आप वहां पे कोरिलेट कर पाओगे। इंटीजर इज अ नंबर विद नो डेसिमल और फ्रैक्शनल पार्ट। इंटीजर में भी डेसिमल और फ्रैक्शनल नहीं होगा, डेसिमल और फ्रैक्शन और किस में नहीं हमने अभी पढ़ा है, होल नंबर्स में। ठीक है, इंटीजर इज अ नंबर विद नो डेसिमल और फ्रैक्शनल पार्ट फ्रॉम द सेट ऑफ नेगेटिव एंड पॉजिटिव नंबर्स इंक्लूडिंग जीरो। ध्यान रहे, जीरो नीदर नेगेटिव नॉर पॉजिटिव नंबर है, जीरो इज अ न्यूट्रल नंबर। ठीक है, यानी कि जीरो भी होगा, नेगेटिव पार्ट भी होगा, पॉजिटिव पार्ट भी होगा। इस डायग्राम को देखिए, इसमें ये क्या है, नेगेटिव है, ये क्या है, पॉजिटिव है, और ये क्या है, आपका जीरो है। ठीक है, नेगेटिव इंटीजर जो पॉजिटिव है उन्हें पॉजिटिव इंटीजर्स, और बीच में जीरो। जीरो इज नीदर नेगेटिव नॉर पॉजिटिव, इस लाइन को आप याद रखिएगा, ये एक नंबर के क्वेश्चन में आ सकता है। ठीक है, नेक्स्ट लाइन देखते हैं, इंटीजर्स रिप्रेजेंटेड एज जेड, जेड से इसको रिप्रेजेंट करते हैं, एंड इंक्लूड्स पॉजिटिव इंटीजर, नेगेटिव इंटीजर, जीरो। पॉजिटिव इंटीजर क्या है, 1, 2, 3, नेगेटिव इंटीजर माइनस 1, माइनस 2, माइनस 3, और जीरो। ये आपको टर्मिनोलॉजी में समझाया गया है कि अगर जेड को बोला जाए तो जेड में सारे नेगेटिव नंबर्स, सारे पॉजिटिव नंबर्स, और ये एक जीरो भी। डायग्राम से अगर समझने की कोशिश करें तो इंटीजर्स के दो सब पार्ट्स हैं, निगेटिव नंबर्स और होल नंबर्स, और हमने पढ़ा होल में जीरो भी आता है और पॉजिटिव वाले नंबर्स भी आते हैं। तो निगेटिव वाले नंबर्स को भी ले लें, जीरो को भी ले लें, और सारे पॉजिटिव नंबर्स को या नेचुरल नंबर्स को ले लें, तो वो क्या बन जाता है, इंटीजर्स। आई होप आपको क्लियर होगा। इंटीजर्स मेन है आपको रैशनल नंबर समझने के लिए, सबसे ज्यादा इसी की मदद होगी, क्योंकि रैशनल नंबर की डेफिनेशन में भी इंटीजर्स का यूज होगा। इसलिए हम एक बार फिर से इंटीजर्स को रिवाइज करते हैं कि इंटीजर्स में क्या क्या इंपॉर्टेंट हमने पढ़ा। कोई भी डेसिमल पार्ट या फ्रैक्शनल पार्ट नहीं होगा, पॉजिटिव नेगेटिव दोनों प्रकार के नंबर्स होंगे, और जीरो भी इंक्लूड होगा। यहाँ ध्यान रहे, जीरो नेगेटिव नहीं होता है, पॉजिटिव नहीं होता है। अगर आपसे पूछ लिया जाए जीरो नेगेटिव है या पॉजिटिव, तो आपको देना है आंसर कि नीदर नेगेटिव नॉर पॉजिटिव। ठीक है, इंटीजर्स को हम जेड से डिनोट करते हैं, इसमें पॉजिटिव पार्ट, नेगेटिव पार्ट और जीरो, मतलब इंटीजर इन तीन चीजों में बटा हुआ। ठीक है, नंबर लाइन पे अगर आप इंटीजर्स को देखें तो राइट हैंड साइड पे आपको सारे पॉजिटिव नंबर्स, लेफ्ट हैंड साइड पे आपको सारे नेगेटिव नंबर्स, और सेंटर में आपको जीरो मिलता है। रियल लाइफ यूजेस ऑफ इंटीजर्स अगर देखें तो देखिए, बैंक अकाउंट्स,
आपने अपने घर में पासबुक देखी होगी, बैंक की जो पासबुक होती है जिसमें एंट्री होती है कि कितना पैसा जमा किया या कब पैसा निकाला, उसमें जब आप डिपॉजिट करते हो तो वो पॉजिटिव से आ जाता है और जब आप निकालते हो तो नेगेटिव हो जाता है टोटल बैलेंस में से, ठीक है। तो अगर इंटीजर्स होता ही नहीं तो हम ये कैसे कर पाते हैं, क्योंकि नेगेटिव नंबर्स के बारे में तो हम जानते ही नहीं। तो इंटीजर्स होने से हमें बैंकिंग में बहुत आसानी हो गई। ये कुछ एग्जाम्पल्स हैं जो आप डे टू डे लाइफ में अपने रिलेट कर सकते हो। बिजनेस में प्रॉफिट हमने पॉजिटिव दिखाया और लॉस हमने नेगेटिव दिखाया। टेम्परेचर के केस में देखिए, जीरो से नीचे गया तो वो निगेटिव हो गया और जीरो से ऊपर गया तो पॉजिटिव हो गया। वेन द टेम्परेचर इज अबव जीरो पॉजिटिव है, वेन द टेम्परेचर इज बिलो जीरो निगेटिव है। इंटीजर्स आपको आई होप अब क्लियर होगा। इंटीजर्स अगर क्लियर हो गया तो एक चीज और समझ लेते हैं जो अभी तक तो आपको आनी चाहिए थी, अगर नहीं भी आती हो तो देख लेते हैं और अगर आती है तो वेल एंड गुड। कि जब भी हम कोई कैलकुलेशन करते हैं ना, हम वो नंबर लाइन पे ही कर रहे होते हैं बेसिकली। आपने इस तरीके से सोचा नहीं है। देखो, हमने पढ़ा है कि कभी भी हम जब हम राइट हैंड साइड की तरफ जाते हैं तो हमारी वैल्यू बढ़ती है और लेफ्ट हैंड साइड की तरफ जाते हैं नंबर लाइन पे तो हमारी वैल्यू डिग्रेड होती है। अभी यहाँ देखते हैं, अगर आप जीरो पे खड़े हो और आप कूद के फाइव पे जाते हो तो आपने कितने प्लेसेस ऐड हो गई आपकी, फाइव ऐड हो गए। आप किस साइड बढ़े, राइट हैंड साइड ना, और अभी हमने पढ़ा कि राइट हैंड साइड जाते हैं तो वैल्यू बढ़ती है, तो देखो आपकी वैल्यू फाइव से बढ़ गई। वही आप अगर फाइव पे पहुंच गए, अभी आप जीरो पे थे, आप कूद के फाइव पे आए थे, आप फाइव पे हो, अब आप फाइव से यहाँ जा रहे हो माइनस फाइव पे, तो किस साइड जा रहे हो, देखो आप लेफ्ट हैंड साइड जा रहे हो ना, तो आपकी वैल्यू माइनस टेन यानी कि अभी हमने यहाँ पढ़ा था डिग्रेड हो गई, कम हो गई, डिक्रीमेंट, ठीक है। तो अगर आप नंबर लाइन पे राइट हैंड साइड बढ़ोगे, जहां भी हो उससे अगर राइट हैंड साइड बढ़ोगे तो आपकी वैल्यू बढ़ेगी, जहां भी खड़े हो उससे अगर आप लेफ्ट हैंड साइड जाओगे तो आपकी वैल्यू घटेगी। अगर आप यहाँ माइनस टू पे भी हो और आप यहाँ से इस तरफ जाते हो और माइनस सिक्स पे आते हो तो आपकी वैल्यू डिक्रीज हो रही है। और इसी वजह से हम बोलते हैं कि नेगेटिव में अगर नंबर है तो जितना छोटा होगा वो उतना ही बड़ा होगा। माइनस टू बड़ा है माइनस सिक्स के कंपैरिजन में, ठीक है, वो इस वजह से होता है। आपको ये क्लियर हुआ? अगर नहीं हुआ तो आप मेरे को बोलिएगा, मैं आपको फिर से इस चीज को समझाऊंगा। लेकिन ये एक बहुत छोटा सा कॉन्सेप्ट है, बट आना चाहिए, आगे कैलकुलेशंस में बहुत मदद करता है। फ्रैक्शंस, दो चीजें सबसे इंपॉर्टेंटली आपको समझनी होंगी रैशनल नंबर समझने के लिए। एक है इंटीजर्स जो कि आपने समझ लिया, और दूसरा है फ्रैक्शंस जो कि अभी आप समझोगे, ठीक है। फ्रैक्शन को हम बेसिकली उस लेवल पे समझेंगे जैसा आप क्लास सेवेंथ या सिक्स्थ में आपने समझा होगा, ठीक है। पहले फ्रैक्शन की डेफिनेशन देख लेते हैं। पहला पॉइंट क्या बता रहा है, फ्रैक्शंस आर रिप्रेजेंटेड एज अ न्यूमेरिक वैल्यू कैन बी डिफाइंड एज द पार्ट्स ऑफ अ होल। ये होल के एक पार्ट है। होल नंबर क्या थे, अभी हमने पढ़ा, कंप्लीट नंबर्स। होल नंबर क्या थे, जो कंप्लीट नंबर थे उसका एक पार्ट है फ्रैक्शंस, ठीक है। फ्रैक्शन कैन बी अ पोर्शन और सेक्शन ऑफ एनी क्वांटिटी आउट ऑफ अ होल। होल यानी कि पूरा, पूरे की एक कोई क्वांटिटी दर्शाता है फ्रैक्शन। वेयर द होल कैन बी एनी नंबर अ स्पेसिफिक वैल्यू और अ थिंग। जहां होल जो है, ये जो होल हम बात कर रहे हैं, ये होल जो है ये कोई एक वैल्यू हो सकती है, कोई थिंग हो सकती है या कोई नंबर हो सकता है। ऑल फ्रैक्शंस कंसिस्ट ऑफ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर, कह रहा है हर फ्रैक्शन में एक न्यूमरेटर होगा एक डिनोमिनेटर होगा। डी स्टार्ट होता है डाउन से यानी कि नीचे, यानी डिनोमिनेटर हमेशा नीचे रहेगा, ठीक है। तो फ्रैक्शन का कैसे होता है, जैसे कोई फ्रैक्शन लिखा है ए बाई बी, तो इसमें ऊपर वाले को हम क्या बोलते हैं, न्यूमरेटर, और नीचे वाले को क्या बोलेंगे, डिनोमिनेटर। आइए अब हम इसे इस पिज्जा के एग्जाम्पल से समझते हैं। देखो इस पिज्म के कितने टोटल पीसेस हैं, 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8, तो टोटल कितने पीसेस हैं, 8। ये पिज्जा पहले कितना रहा होगा, वन रहा होगा, जिसको काट के हमने एट पीसेस कर दिए। आपको सिर्फ ये वाला पीस दे दिया जाता है। सबसे पहली बात तो आप ये समझ लो, कहीं भी कोई फ्रैक्शन लिखा है तो इसका जितने भी टुकड़े बनेंगे वो इक्वल हाफ्स होंगे, मतलब सारे पीसेस इक्वल होंगे, ये हम मान के चलते हैं फ्रैक्शन के केस में, ठीक है। अगर ये वाला पीस आपको दिया गया तो आपको कितना मिला, देखो टोटल कितने थे, जो डिनोमिनेटर होता है वो टोटल नंबर ऑफ पीसेस को बता रहा होता है, तो टोटल नंबर ऑफ पीसेस हैं 8, ठीक
ठीक है, अभी हमने काउंट किया था 8 पीसेस, आपको कितना मिल रहा है, केवल एक पार्ट, तो आपके पास क्या आया 1/8। ठीक है, तो जो डिनोमिनेटर होता है फ्रैक्शन का, वो बताता है हमको कि जो होल पार्ट था, जो कंप्लीट पार्ट था, उसको कितने हिस्सों में बांटा गया है। ठीक है, और जो न्यूमरेटर पार्ट होता है, वो हमको बताता है कि हमें कंसिडर कितने हिस्से को करना है। जैसे यहाँ पे हम कंसिडर कर रहे हैं जो हमको दिया गया है, तो 1/8। जो हमको नहीं दिया गया, अगर हम उसको कंसिडर करेंगे, तो हम क्या कहेंगे, 7/8 की बराबर के 8 पीसेस थे, जिसमें से अभी 7 पीसेस बचे हुए हैं, और हमको जो दिया गया है बराबर के 8 पीसेस में से हमको एक पीस दे दिया गया है। ठीक है, तो फ्रैक्शन का आपको मतलब समझ में आया, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर होता है, डिनोमिनेटर बताता है कि कितने पीसेस में बांटा गया है, किसी होल पार्ट के ही बराबर के टुकड़े जब होते हैं तब उसे हम फ्रैक्शन के माध्यम से समझते हैं या दर्शाते हैं। ठीक है, जब आप रैशनल नंबर के केस को समझोगे, रैशनल नंबर, तो वहां भी फ्रैक्शन आएगा, लेकिन वहां फ्रैक्शन में न्यूमरेटर को पी और डिनोमिनेटर को क्यू से बताया जाएगा। ठीक है, बस इतना सा ध्यान रखना। रिविजन, तो हमने सबसे पहले क्या पढ़ा था, नेचुरल नंबर्स, जिसको हम काउंटिंग नंबर्स भी कहते हैं, और नेचुरल नंबर्स में सबसे इंपॉर्टेंट बात, ये वाली लाइन याद रखना, इसलिए ये यूज होते हैं, होल नंबर्स, कंप्लीट पार्ट, फिर आता है इंटीजर्स। इंटीजर्स में आपने क्या पढ़ा, क्या क्या इंटीजर के पार्ट होते हैं, निगेटिव नंबर्स, जीरो और पॉजिटिव नंबर्स। इसमें क्या नहीं होता है, अभी तक के सभी तीनों में डेसिमल पार्ट नहीं होगा, इन ऊपर के जितने भी तीन हैं, नेचुरल, होल और इंटीजर, डेसिमल पार्ट नहीं होगा और फ्रैक्शनल पार्ट नहीं होगा। फ्रैक्शन में क्या होता है, न्यूमरेटर होता है जो ऊपर लिखा जाता है, और डिनोमिनेटर होता है जो नीचे लिखा जाता है। डिनोमिनेटर डाउन, डी ऐसे याद रख लेना, डिनोमिनेटर नीचे आएगा। ठीक है, ये किसी होल पार्ट का टुकड़ों को दर्शा रहा होता है, डिनोमिनेटर वो क्या बता रहा होता है, इक्वल पार्ट्स, किसी भी होल पार्ट के कितने इक्वल पार्ट बनाए गए, और न्यूमरेटर कंसर्न पार्ट, जैसे हमें कितना दिया गया था पिज्जा, उसमें कंसर्न पार्ट था 1, क्योंकि 1/8 दिया गया था, और अगर हम बात करें कि हमें जो नहीं मिला था पिज्जा, वो क्या था, वो 7/8, उसमें कंसर्न पार्ट 7 था। ठीक है, जब हम रैशनल नंबर की बात करेंगे, तो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर की जगह हम क्या लिखेंगे, पी बाई क्यू। चलिए अब नेक्स्ट आते हैं, अब हम मेन टॉपिक पे आ रहे हैं, जो कि है रैशनल नंबर। रैशनल नंबर की डेफिनेशन को देखें तो, कैन बी डिफाइंड एज एनी नंबर विच कैन बी रिप्रेजेंटेड इन द फॉर्म ऑफ पी बाई क्यू, वेयर क्यू इज नॉट जीरो। ये लाइन क्या कह रही है, रैशनल नंबर कोई भी ऐसा नंबर जिसे हम पी बाई क्यू यानी न्यूमरेटर डिनोमिनेटर के फॉर्म में बता सकें, जहां पर q जीरो ना हो, यानी कि डिनोमिनेटर में जीरो कभी ना आए। क्या यहां बोला है कि न्यूमरेटर में जीरो ना आए, नहीं बोला है, सिर्फ डिनोमिनेटर में जीरो ना आए, डिनोमिनेटर q जो है वो जीरो ना हो, तो न्यूमरेटर जीरो हो सकता है। ठीक है, अगर कभी कहीं नंबर लिखा है 1, तो हम ये मान के चलते हैं उसका डिनोमिनेटर 1 है। अगर कहीं 8 लिखा है, तो हम ये मान लेते हैं उसका डिनोमिनेटर 1 है, क्योंकि 1 से अगर 8 को हम 1 से डिवाइड करें, तो आंसर 8 ही रहेगा, कोई वैल्यू में चेंज नहीं आएगा। इसी तरह अगर कहीं लिखा है 0, तो हम मान लेंगे नीचे क्या है, 1। अब अगर पहली लाइन हमको बता रहा है कि p बाई क्यू के फॉर्म में होना चाहिए, q 0 नहीं होना चाहिए, ये तो नहीं बोला ना कि p 0 नहीं होना चाहिए, ये कंडीशन तो है ही नहीं, बस कंडीशन है कि q 0 नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पर देखिए, पहली लाइन के हिसाब से ये रैशनल नंबर हो जा रहा है कि p बाई क्यू के फॉर्म में है, q 0 नहीं है, p 0 है, तो ये चल जाएगा। ठीक है, ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपसे पूछ सकता है कि यार जीरो एक रैशनल नंबर है, तो आप बताएंगे यस, जीरो इज अ रैशनल नंबर बिकॉज इट कैन बी रिप्रेजेंटेड इन द फॉर्म ऑफ पी बाई क्यू वेयर क्यू कैन बी 1। ठीक है, तो ये एक रैशनल नंबर है। दूसरी लाइन को समझते हैं, वी कैन से दैट एनी फ्रैक्शन फिट्स अंडर द कैटेगरी ऑफ रैशनल नंबर्स वेयर द डिनोमिनेटर एंड न्यूमरेटर आर इंटीजर्स एंड द डिनोमिनेटर इज नॉट इक्वल टू जीरो। ये क्या कह रहा है, वी कैन से दैट एनी फ्रैक्शन, कोई भी फ्रैक्शन इस कैटेगरी में, किस कैटेगरी में, रैशनल नंबर की कैटेगरी में बैठ सकता है, वेयर द डिनोमिनेटर एंड न्यूमरेटर आर इंटीजर्स। अब एक और कंडीशन बताई कि डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर दोनों ही क्या होंगे, इंटीजर, यानी कि ऊपर जो वैल्यू लिखी है वो भी एक इंटीजर होनी चाहिए और नीचे जो वैल्यू लिखी है वो भी एक इंटीजर होनी। इंटीजर्स में डेसिमल पार्ट नहीं होगा, लेकिन क्या हो सकता है, पॉजिटिव नंबर हो सकते हैं, हो जीरो हो सकता है, नेगेटिव नंबर्स हो सकते हैं, इसमें डेसिमल नहीं होगा। तो
ऊपर नीचे दोनों अगर इंटीजर्स हैं, चाहे जीरो हो चाहे पॉजिटिव हो चाहे नेगेटिव हो, तो वो रैशनल नंबर की कैटेगरी में फिट हो जाएगा। तीसरा पॉइंट क्या बता रहा है, व्हेन द रैशनल नंबर दैट इज फ्रैक्शन इज डिवाइडेड द रिजल्ट विल बी इन डेसिमल फॉर्म विच मे बी आइदर टर्मिनेटिंग डेसिमल और रिपीटिंग डेसिमल। कहने का मतलब जब रैशनल नंबर जो है वो अगर फ्रैक्शनल के फॉर्म में है तो उसको हम अगर सॉल्व करेंगे तो वो डेसिमल फॉर्म में आ सकता है। कई बार ऐसा होगा जो आंसर होगा वो टर्मिनेटिंग हो जाएगा, कई बार नॉन टर्मिनेटिंग होगा। अब ये टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग क्या होता है ये समझते हैं। जैसे मान लीजिए कहीं लिखा हुआ है 10/3, आप इसको डिवाइड करोगे तो आंसर आएगा 3.333333 और ये चलता जाएगा। तो अब कहाँ तक लिखेंगे हम, क्योंकि 3333 तो चलता जा रहा है, तो कोई एक ऐसा तरीका होना चाहिए था लिखने का जिससे हम इसे छोटे में लिख सकें, नहीं तो हमारी पूरी कॉपी भर जाएगी। तो हम क्या लिखेंगे इसे 3.3 और 3 के ऊपर बार बना देंगे, एक 3 है ना जो बार बार चलता जा रहा है, तो हमने बार बना दिया। इस बार से हमको पता लग जाएगा कि ये वाला नंबर बार बार रिपीट हो रहा है। एक दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं कि कहीं लिखा हुआ है 5/2, इसको आप डिवाइड करोगे आंसर आएगा 2.5। यहाँ पर ये ख़त्म हो गया ना, 5 के बाद कोई और नंबर नहीं आ रहा है, लेकिन यहाँ पर ख़त्म नहीं हो रहा था, तो जो नंबर्स ख़त्म हो जाते हैं उनको हम कहते हैं टर्मिनेटिंग, जिसका मतलब ही है कि टर्मिनेट हो जा रहा है। ऐसे फ्रैक्शंस जो ख़त्म हो जाते हैं डिवाइड करने पे, चाहे तुरंत बाद हो जाए चाहे थोड़ी देर बाद हो, ज़रूरी नहीं है कि एक ही डिजिट के बाद, डेसिमल के एक ही डिजिट के बाद बंद हो ख़त्म हो जाए, लेकिन ख़त्म हो जाए अगर अल्टीमेटली तो उन्हें हम कहेंगे टर्मिनेटिंग। और जो ऐसे नंबर्स हैं जो ख़त्म नहीं हो रहे हैं रिपीटेडली चलते जाएंगे उनको हम कहेंगे नॉन टर्मिनेटिंग। नॉन टर्मिनेटिंग मतलब ख़त्म नहीं हो रहे हैं, लेकिन ये याद रहे कि सारे नंबर्स बार बार रिपीट हो रहे हैं। ऐसा इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि अब जब आप इरेशनल नंबर पढ़ेंगे तो इसमें आपको डिफरेंस एक और समझ में आएगा। देखिए कंडीशन क्या है, फिर से एक बार समझ लेते हैं। पी बाई क्यू के फॉर्म में होगा न्यूमरेटर डिनोमिनेटर, क्यू जीरो नहीं होगा यानी डिनोमिनेटर जीरो नहीं होगा। पी बाई क्यू कैन फर्दर बी सिंप्लीफाइड इन डेसिमल फॉर्म, हम चाहें तो उस फ्रैक्शन को डिवाइड कर सकते हैं। पी एंड क्यू यानी न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों एलिमेंट्स ऑफ इंटीजर है, यानी कि इंटीजर ही होने चाहिए, यदि इंटीजर नहीं है तो वो रैशनल नंबर नहीं कहलाएगा। इसमें एक लाइन है उसको दोबारा से समझा देता हूँ, एलिमेंट्स ऑफ इंटीजर ही होते हैं पी बाई क्यू। इसमें अगर आपको कन्फ्यूजन है देखिए, कहने का मतलब है कहीं अगर ये लिखा हो 10/√9 तो हमको पता है अंडर रूट 9 का सिंप्लीफाइड फॉर्म होता है 3, स्क्वायर रूट निकल सकता है। लेकिन वही अगर यहाँ कुछ लिखा हो √3 तो हमको वैल्यू भले से पता है कि √3 की 1.732 है, लेकिन अब q जो है हमारा इंटीजर नहीं रहा क्योंकि q तो डेसिमल फॉर्म में आ गया, तो ये जो है ये रैशनल नंबर नहीं होगा, लेकिन ये रैशनल नंबर हो सकता है। तो आपसे जब पूछा जाएगा क्वेश्चन तो उसमें हो सकता है आपको ऐसे नंबर्स दे दिए जाएं जो परफेक्ट स्क्वायर हों। तो अगर परफेक्ट स्क्वायर है, जैसे √9 परफेक्ट स्क्वायर है, क्या 9 परफेक्ट स्क्वायर है 3 का, तो √9 का मतलब 3 हो गया। तो यहाँ पर इसको आप कैसे सिंप्लीफाई करोगे 10/3, और अब आप कह दोगे कि ये रैशनल नंबर है, लेकिन अगर 10/√3 लिखा होगा तो 3 किसी का परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, ठीक है। 9 तो 3 का परफेक्ट स्क्वायर है, लेकिन 3 किसी का परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, तो ये रैशनल नंबर नहीं होगा। एग्जांपल देखते हैं, जैसे ये लिखा है 10/2, पी है 10, क्यू की वैल्यू है 10, ये 10/2 किया, डिवाइड किया 5 आया, रैशनल नंबर हो गया। 1/1000 है, डिवाइड किया तो 0.00001 है, तो ये रैशनल हो गया। अब आप कहोगे सर ये तो पॉइंट में आ गया तो रैशनल कैसे हुआ। देखिए क्या था रैशनल नंबर की प्रॉपर्टी, कि p q दोनों इंटीजर हो, यहां पर दोनों इंटीजर है, q जीरो ना हो, तो q जीरो नहीं है, और p और q दोनों इंटीजर हो, यहां पर दोनों इंटीजर है, p बाई q के फॉर्म में लिखा है। तो आगे अगर आप उसको सॉल्व करके उसका डेसिमल पॉइंट वैल्यू आ रही है तो वो बात अलग है, लेकिन जब आप p बाई क्यू के फॉर्म में लिख रहे हो तब उसमें डेसिमल नहीं होना चाहिए, तो वो रैशनल नंबर की श्रेणी में आएगा। अगर इसको देख लें 50/10 तो ये 5 है, ये भी रैशनल नंबर हो जा रहा है। आई होप सो आपको अब क्लियर हो गया होगा रैशनल नंबर्स क्या है। एक बार फिर वीडियो को पॉज करके दोबारा सब रिवाइज कीजिए और फर्स्ट एक्सरसाइज अपनी बुक की लगाने की कोशिश कीजिए।
यदि आपको फिर भी कुछ डाउट्स हैं या कुछ नहीं क्लियर हो रहा है तो हम इसको गूगल मीट पे मीटिंग करके उससे समझने की कोशिश करेंगे वहाँ पर 1-to-1। वैसे भी हम एक बार गूगल मीट पे मीटिंग करेंगे, बट अभी आप इसको ज़रूर समझने की कोशिश कीजिए। देखिए, रैशनल नंबर्स के दो पार्ट हैं, टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग। टर्मिनेटिंग नंबर्स वो होते हैं जो टर्मिनेट हो जाएं। अभी हमने समझा था, यहाँ फिर से समझ लेते हैं। जैसे कोई एग्जांपल है 100/50, तो इसका आंसर 2 हो गया, ये ख़त्म हो गया। 3/2 आंसर आया 1.5, तो ये ख़त्म हो गया। वहीं अगर नॉन टर्मिनेटिंग नंबर होगा, जैसे 10/3, इसको आप डिवाइड करोगे आंसर चलता जाएगा 3.333333, ये डॉट डॉट डॉट, इसमें 3 बार बार रिपीट हो रहा है। तो हम इसको लिखेंगे कैसे, लिखने का तरीका है 3.3, और ये ऊपर वाले डंडे को आप कहते हो बार, क्या बार, ठीक है। इसके आगे से हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। टिल देन हैव अ नाइस डे एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।